ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर लग रहा ना यहाँ पर, ये इसलिए मशीन हमारी अटक अटक के चल रही है। और इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसको ज़्यादा जबरदस्ती चलाएंगे तो हमारी कुंडिया लिंक जो है टूट भी सकता है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना। दोस्तों ये देखिए हमारी जो सिलाई मशीन है ना, ये इसका जो लिंक है ये ऊपर यहाँ पर कुंडी में लग रहा है। ये देखिए मशीन भी अटक रही है और आवाज़ भी कर रही है। ये देखिए ये है ना, देखिए कहाँ पे लग रहा है, ये जो लिंक है ना ऊपर यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए व्हील पे देखिए आप, जैसे ये फंस रही है मशीन ऐसे। तो इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, क्या होता है जैसे हम सिलाई मशीन पे सिलाई करते हैं तो इसका जो जेड होता है ना, ये जो कुंडी का जेड है, इसके या तो ये लट्ठू में ढीला हो या फिर इसके जो है पेंच लूज हो जाते हैं। इसको ठीक करना है, कैसे करना है मैं आज जो है आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, इससे काफ़ी परेशानी होती है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने जो है ना इसी टॉपिक पर हमारे पास वीडियो भेजी थी, काफ़ी टाइम हो गया, वे काफ़ी टाइम से वीडियो मांग रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आज जो है उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों पहले तो आप वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये देखिए मेरा जो सिलाई मशीन है, इस मशीन में जब मैं स्पीड सिलाता हूँ मोटर से तब ये वाला पार से जाकर वहाँ पे टच होता है। ये देखिए दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी, तो जो हमारे सब्सक्राइबर है वे भी इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। और मैं आपको जो है इसको ठीक करके बताऊँ कैसे ठीक करनी है, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो है ना पहले ही पैर गेज निकाल लेंगे, तभी समझ में आपके अच्छे से आएगा। इसको खोल लिया यहाँ से, क्योंकि ऐसे तो मैं कर सकता हूँ पर आपकी समझ में ऐसे नहीं आने का। इसको खोल लेंगे यहाँ से कैप को इसकी, और फिर इसका स्प्रिंग निकाल लेंगे, उसकी पत्ती खोल के इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इसको ब्रैकेट को भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर लग रहा ना यहाँ पर, ये इसलिए मशीन हमारी अटक अटक के चल रही है। और इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसको ज़्यादा जबरदस्ती चलाएंगे तो हमारी कुंडिया लिंक जो है टूट भी सकता है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे ठीक करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है ना लट्टू के दोनों पेंच, एक तो ये वाला पेंच इधर से सुराख में पेंच के डालेंगे इधर से, और ये वाला पेंच जो है चेक कर लेंगे ढीला तो नहीं है ये, और एक और होता है छोटे वाला पेंच, दो पेंच होते हैं, दोनों पेंच को पहले चेक कर लेंगे ढीले तो नहीं है, अगर ढीले नहीं है तो ढीले कर लेंगे। और इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो जेड है ना इसके पेंच के सामने ले आएंगे, इसको यहाँ पर करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे चोट मारेंगे नीचे को, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, इसको हमें ऊपर करना है, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा। अभी भी पेंच की जो है सेटिंग में नहीं आया सामने बिल्कुल, क्योंकि ये देखे पेंच है यहाँ पर और ये थोड़ा नीचे जा रहा है, इसको और ऊपर कर लेंगे, इसके ऐसे चोट मारेंगे, अभी भी नीचे है थोड़ा सा, बिल्कुल सामने होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मेन चीज़ है, ये ही लिंक कुंडी इस गज की सेटिंग को रखता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके जो है ना दोनों पेंच टाइट कर लेंगे अच्छे से, बड़ा पेंच किस ले लेंगे, बड़े पेंच से दोनों पेंच को टाइट करेंगे, ये हो गया। ये देखिए दोस्तों अब हमारी सिलाई मशीन कैसे चल रही है, बिल्कुल ना भी ना ही कहीं पे लग रही है, ठीक है, और आवाज़ भी सारी बंद हो गई। तो इसको ऐसे करने के बाद दोस्तों फिर जो है ना अपनी सुई की सेटिंग है वो चेक कर लेंगे, ये ज़रूरी है, ऐसे सिलाई नहीं करने की आपकी सिलाई मशीन।
ये देखिए सुई कितनी नीचे आ गई, इसको सुई को ऊपर कर लेंगे, शटल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इसको यहाँ से ऊपर कर लेंगे जितनी हमें चाहिए, जितनी सटक में शटल में होती है, इसको सुराख सुराख दिखना चाहिए बस, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए हमारी सिलाई मशीन कैसे आसानी से चल रही है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पैर गज खोला था ना मशीन का, इसको ऐसे ही लगा लेंगे, ब्रैकेट हो गया, दोनों ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी आसानी से लग जाता है। वैसे मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख सकते हैं कि ब्रैकेट जो है कैसे लगाए सिलाई मशीन में, इसके अच्छे से सेटिंग करके देखना है। इसका जो पैर है ना ये टाइट कर लेंगे, अच्छे से टाइट करेंगे बिल्कुल, और बीच में इसकी सेटिंग करेंगे, ये हो गया, और उसकी बीच में करेंगे सुराख के, पहले अभी ऊपर उठ रहा है, इसको यहाँ पर सुराख के बिल्कुल बीच में ले आएंगे, और सुई चेक कर लेंगे, सुई लग तो नहीं रही हमारी, ठीक है। और इस पेंच को जो है ना, ये ब्रैकेट वाला पेंच है, इसको ध्यान से टाइट करना बिल्कुल अच्छे से, ये ढीला ना रहे, उसकी पत्ती लगा के मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मशीन हमारी अब बिल्कुल, इसका जो माथा है ना ये भी लगा लेंगे, चेक कर लेंगे दोस्तों, ये आसानी से गिरना चाहिए, ठीक है। उसकी स्लाइड लगा के अब सिलाई चेक करते हैं, तो इसमें धागा डालते हैं, धागा डालने के बाद इसकी सिलाई चेक करेंगे ऐसे कि हमारी सिलाई मशीन सिलाई करेगी या नहीं, क्योंकि हमने शटल में तो कुछ करा नहीं, बस सुई की सेटिंग करी है और लिंक की और गज की, ये कर दिया हमने दोस्तों। अब जो है इसमें कपड़ा लगाएंगे और इसकी सिलाई चेक करेंगे, ये देखे दोस्तों, ये नीचे की और ये ऊपर की सिलाई, ज्यादा करना दोस्तों। दोस्तों मैं जो है आज आपको एक चीज बताने वाला हूँ, मैंने जो है फेसबुक पर एक पेज बनाया है A4 आरिफ के नाम से, आप फेसबुक पर जाकर सर्च कर सकते हैं A4 आरिफ, और मैं उस पर जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज को आप ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ाएं, और आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। आपको यूट्यूब पर भी आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी, और फेसबुक पर भी आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। ऐसे ही दोस्तों आप अपनी सिलाई मशीन की वीडियो बनाकर है ना, मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, इस पर आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको जो है सिलाई मशीन को अच्छे से ठीक करके बताऊंगा, जैसे मैंने ये ठीक करके बताई है, ठीक है दोस्तों।